हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेवन लर्निंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू यूनिवर्सिटी की। तो जो भी स्टूडेंट्स इग्नू में बीएड में अप्लाई करना चाहते हैं, वह स्टूडेंट्स बीएड में अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसके लिए इग्नू की तरफ से ऑनलाइन आपके लिए जो कि पोर्टल है वो एक ओपन भी कर दिया गया था, जिस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका बीएड में एडमिशन लेने से पहले आपका एक एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, तो उसी के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है इस पोर्टल पर आकर, अगर आप एलिजिबल हैं और अगर आप करना चाहते हैं तो। लेकिन साथ ही जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको सबमिट करने की डेट आपके पास अभी तक सिर्फ 20 मार्च थी। आप सिर्फ 20 मार्च तक अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं आपकी जो यहाँ पर डेट है वो एक्सटेंड कर दी है 25 मार्च तक। सो लास्ट डेट एक्सटेंड टिल 25 मार्च 2021 फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर बीएड एंट्रेंस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक बीएड में अप्लाई करना चाहते थे इग्नू में, लेकिन अभी तक वह नहीं कर पाए थे बिकॉज लास्ट डेट निकल गई थी, तो अब आप सभी स्टूडेंट्स के पास 25 मार्च तक का समय, आप सभी 25 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं इग्नू में। उसके लिए आपको इसी पोर्टल पर आना होगा और बाकी आपको किस तरह से अप्लाई करना होगा, आपको पूरा अपना रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना होगा, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। साथ ही हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि आप देख सकते हैं आपका एक साथ ही जो नोटिफिकेशन वो भी शेयर किया गया है। इसमें ये लिखा हुआ है कि बीएड और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए जो कि डेट है वो 25 मार्च तक एक्सटेंड कर दी गई है। लेकिन साथ ही आप देख सकते हैं एनी करेक्शंस और चेंजेस इफ एनी इन द डिटेल्स सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स कैन बी मेड ऑन 24th and 25th मार्च। दीज टू डेज एडिटिंग ऑप्शन इज इंक्लूसिव ऑफ द एक्सटेंडेड डेट। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 25 मार्च तक आपका जो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने का डेट है एक्सटेंड कर दिया गया है। उसी के साथ साथ ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट भी किया है कि उनके कुछ वहाँ पर गलती हुए, कुछ उनको उसमें करेक्शन करना है, तो वो कर सकते हैं या नहीं। तो अभी तक तो आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी अगर गलती हो गई है, लेकिन आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 24 और 25 मार्च को आप करेक्शन कर सकते हैं। ये दो आपके एडिटिंग ऑप्शन डेज होंगे जब आप एडिटिंग कर पाएंगे। अगर आपने कुछ भी अपना गलत फिल कर दिया, उसमें आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ 2 दिन का समय है, 24 और 25 मार्च को। तो अगर जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ भी गलती करी थी अपने फॉर्म भरने में, उन्होंने किसी भी तरीके की करेक्शन या चेंजेस करने हैं, तो वो सभी 24th और 25th मार्च को कर सकते हैं। बाकी इसके लिए आगे आपके साथ कोई भी डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं की जाएगी। तो जैसा कि आप अब यहाँ पर देख ही सकते हैं, बाकी अभी भी आपकी कोई क्वेरी हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और साथ ही मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मुझसे किस तरह से कॉन्टैक्ट कर पाएंगे उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको सभी अपडेट्स, सभी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इसके साथ साथ आप हमसे टेलीग्राम पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, जो इसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी आपको पीडीएफ हैं, जितने भी आपको लिंक्स हैं वीडियो के, आपको सभी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाते हैं, जो आप इजीली अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका जो लिंक है मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, तो वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई और क्वेरी हो हमसे, तो उसके लिए आप हमारी जीमेल आईडी जो कि 7learning123@gmail.com है, आप यहाँ पर भी हमसे कनेक्ट रह सकते हैं, आप यहाँ पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।